गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है संडे और बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं जा रही हूँ किचन में टू मेक ब्रेकफास्ट और उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू शूट दैट रेसिपी। सो मैं बना रही हूँ मक्की के पराठे एंड यस, दिस इज द सीजन फर्स्ट मक्की के पराठे एंड आई एम गोइंग टू मेक इट विद सम आलू स्टफिंग एक्सेट्रा। आई विल नॉट बी एबल टू शो द रेसिपी हियर, बट शॉर्ट्स एंड रील्स में आप वो रेसिपी देख सकते हैं। So without wasting any time, let's get started. Let's start the vlog and let's get into the kitchen for the breakfast preparations. Here, मेरा सेटअप हो चुका है और ये है आलू, अजवाइन, मक्की का आटा, मिर्च, धनिया एक्सेट्रा एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी शूट एंड प्रिपरेशन। सो उसके बाद मिलते हैं। तो ये बने हैं मेरे मक्की के पराठे एंड विद वाइट बटर। ओ माय गॉड, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। सो मेरी रील देखिएगा एंड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी। ये है आटा, बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है इसमें। धीर फुल स्विंग में मम्मा की हेल्प करा रहा है, डस्टिंग, क्लीनिंग एंड ऑल। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसने ईयरबड्स लगा रखे हैं और आईपैड पे सॉन्ग्स प्ले कर रखे हैं, है ना? गुड। कॉफी टेबल भी कर देना। ओके, थैंक यू धीरू। हे गाइस, सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में हूँ, आई एम ऑन माय वे समवेयर। विपुल एंड आई हैव सम वर्क जिसके लिए हम जा रहे हैं और बज रहे हैं 1:00, इट्स 1:00। बच्चे घर पे हैं, आज मेरा दिन ऑलमोस्ट बाहर ही रहने वाला है, आई हैव टू मैनी प्लान्स। तो पहले तो हम अपना जो पर्सनल वर्क है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद मुझे जाना है कॉफ़ी शास्त्रा। जैसा कि मैंने बताया, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द न्यू प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस, वहाँ मुझे जाना है उनके कॉफ़ी शास्त्रा में। एंड उसके बाद परी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, बिकॉज लास्ट संडे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट केओटिक वीकेंड वाला वीडियो मेरा, सो उस वजह से हम कुछ भी प्लान नहीं कर पाए थे उसके बर्थडे के लिए, कोई शॉपिंग नहीं कर पाए थे। सो आज उसको लेके हम जाएंगे फॉर हर बर्थडे शॉपिंग। मेजॉरिटी वह शॉपिंग हमने कर ली है, इट्स जस्ट फुटवेयर एंड अ ड्रेस दैट वी हैव टू बाई फॉर हर, बाकी सब मैंने ऑनलाइन मैनेज कर लिया। सो एंड वो निपटाएंगे और उस बीच अगर मेरी फिजियोथेरेपिस्ट आज संडे को अवेलेबल है तो मेरी फिजियोथेरेपी भी कराएंगे। सो ये सारे काम निपटाने के बाद आज हम घर जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क वील गो बैक होम, आई मे चेंज एंड देन गो टू कॉफी शास्त्रा। सो बस अभी अपना काम खत्म कर लें पहले, फिर बच्चों को पिक करने जाएंगे। तो कर लिया है हमने अपना काम खत्म, अब हम जा रहे हैं कॉफी शास्त्रा। पहले प्लान ये था कि अपना काम खत्म करेंगे, घर जाएंगे, चेंज करेंगे, फिर कॉफी शास्त्रा जाएंगे, बट अब चेंज करने का टाइम नहीं है बिकॉज 4 बज चुके हैं। यस, इट गॉट वेरी लेट टू कम्प्लीट आवर वर्क। जब तक कॉफी शास्त्रा पहुंचेंगे आई थिंक 4:30 हो जाएंगे, 4:30 बज जाएंगे। उसके बाद परी के शॉपिंग के लिए भी जाना है तो सीधा इसी ड्रेस में जा रहे हैं कॉफी शास्त्रा। सो मैं जाती हूँ वहाँ और बताती हूँ आपको कि कैसा है और मैं क्या खा पी रही हूँ वहाँ पे। इट्स अ कोलैब फॉर माय इंस्टाग्राम पेज, मोर देन कोलैब, इट्स बेसिकली एन इनवाइट। मुझे इनवाइट आया था उनकी न्यू स्टोर लॉन्च का, उनकी ऑलरेडी एक स्टोर है टी नगर में, नाउ इट्स लॉन्च्ड इन अडयार। सो मैं वहाँ जा रही हूँ। सो आ गए हैं हम कॉफी शास्त्रा, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर पार्किंग एंड मैं बस अपने थोड़े बाल वाल ठीक कर लूँ, इतना थक गई हूँ मैं और मेरे सर में हो रहा है भयंकर दर्द और बहुत थकान हो रही है, बैठे बैठे थक गई, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है टू व्लॉग समथिंग और टू क्रिएट रील्स हियर।
झटपट काम तो करना पड़ेगा, सो जिसके लिए आए हैं वो तो करना पड़ेगा। सो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर, बाल बना लूँ अपने, फिर चलते हैं अंदर। सो हो गया फ्रेंड्स, कॉफी शास्त्रा से हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर और बज गए हैं 5:30। हमने सोचा नहीं था इतनी लेट हो जाएगी, बट हो गई। एंड बहुत अजीब लग रहा था सच में, आज तो विपुल को भी हंसी आ गई कि आए मुफ्त का खाया पिया और खिसके आसपास। एक तो ये बहुत छोटी जगह थी एंड आसपास के लोग हमें देख रहे थे कि ये कौन है, इनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, और हम मुफ्त का चेपे जा रहे थे। सो कभी कभी अजीब भी लगता है, बट खैर फॉर दैट मोमेंट लगता है, बट देन लेटर हम अपने आप को समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि हम फ्री का खा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू वर्क फॉर देम, इट्स अ कोलैबोरेशन। सो अब मुझे जाके उनके लिए जो शूट किया है, जो भी शूट की मैंने रील के लिए, वो एडिट करूँगी, फिर उसको पोस्ट करूँगी, तो ये सारे काम उनके लिए करने हैं। सो इट इज़ नॉट कि हम मुफ्त का खाते हैं। कैसे हुआ, तुम्हारी मेहनत के पैसे तो मेहनत या मेहनत के पैसे तो लेंगे यार, ऑब्वियसली। तो बस वो पैसा दिया हुआ, वो पैसे की जगह तुमको खाना खिलाया, बस बात खत्म। यस। चलो अब चलते हैं घर, बच्चों के लिए कुछ पैक करवा लिया है। एक्चुअली उन्होंने सर्व इतना सारा किया, हम पूरा खा ही नहीं पाते, कहीं भी नहीं खा पाते हैं। दे वॉन्ट अस टू ट्राई एवरीथिंग दे हैव, ताकि हम रिव्यूज बता सके उनको, तो इतना तो खा नहीं पाते, तो जो हम खा पाए हमने खा लिया, बाकी हमने पैक करवा लिया बच्चों के लिए। अब जा रहे हैं घर एंड उसके बाद देखेंगे क्या मूड बनता है, शॉपिंग पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, आई एम क्लूलेस। घर जाके बताती हूँ जो भी प्लान बनता है, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, घर जाएंगे, बच्चे खाएंगे पियेंगे, 6:30 तो हो ही जाएगी, उसके बाद देखते हैं आकृति का क्या मूड है। तो आ गई हूँ मैं घर एंड आई गॉट बैक होम टू दिस सरप्राइज, नॉट रियली सरप्राइज बट इट्स एन इनवाइट। ये ग्लिटराटी पॉप, आई डोंट नो कितने लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, दिवाली एडिशन था इनका पॉपअप एग्जीबिशन का, उसमें दे हैड इनवाइटेड मी, नाउ दे हैव सेंट मी अनदर इनवाइट एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल। मैंने अभी तक देखा नहीं है, आई जस्ट स्टेप्ड इन फैक्ट। ये क्यूट सा कवर है, आई मीन बैग है, जिसके अंदर इनवाइट आया है। सो आई विल सी नाउ एंड आई विल डू इंस्टा स्टोरीज एज वेल इनके इनवाइट का। सो या चलो अब मैं देखती हूँ इस बैग में और क्या आया है और आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है वो बैग जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, एंड ये आया है इसके अंदर सारा सामान। ये क्या है मैं खुद अभी देखूँगी और आपको भी दिखाती हूँ, बट वॉट एवर इट इज़ लुक्स अमेजिंग, द पैकेजिंग इज़ रियली नाइस। चलो देखते हैं क्या है अंदर। ये तो ऑलमोस्ट है ना एवरी इनवाइट में आता है, फ्रॉम शुगर कप ना, ये शुगर कप का है। अब तो मैं डब्बा देख के पहचानने लग गई हूँ, शुगर पॉप आई थिंक, शुगर कप आई थिंक। ओके, इसमें आई हैं आई थिंक ब्राउनीज हैं या कुकीज़ हैं, वॉट एवर, ये ऑलमोस्ट एवरी इनवाइट में आती हैं। एंड देन आया है ओके, दिस इज़ अगेन गुडीज़ फ्रॉम लियाज, केक्स एंड डेजर्ट्स, और इसमें क्या है आई डोंट नो, लेट मी ओपन इट।
खैर बताती हूँ। और उसके अलावा आया है, ओ वाओ, ओरियो एंड रोज़ चॉकलेट बाक, नाइस, लुक्स अमेजिंग। तो परी की ऐश हो गई क्योंकि सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स घर में वही खाती है। एंड शी लव्स ब्राउनी। हाँ, शिया बटर एंड केओलिन क्ले ब्यूटी बार, ओ नाइस नाइस। सो उसके अलावा दिस इज, नो इट्स डजंट लुक लाइक कैंडल, इट्स अ जार कैंडल। No, it's a moisturizing cream. It's a moisturizer. Oh. I'll open and show you guys. पहले मैं खुद देख लूँ कि आया क्या क्या है इसमें, क्या है ये मैं ओपन करके बताती हूँ। और what is this? Cookie. That's a cookie. So ये सारा आया है हैम्पर में। These two pouches मैं खोल के बताती हूँ आपको। सो गाइज, जो उस पैक में आई थी वो ये क्रीम है, लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इट इज़ ऑफ रनिंग कंसिस्टेंसी। ये लग रहा है आपको कि ये बॉटल वाइट है, एक्चुअली बॉटल ट्रांसपेरेंट है, और ये वाइट क्रीम है आमंड ऑयल एंड ये आमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल वगैरह की। और ये जो पाउच था इसके अंदर आई है ये स्क्रंची विद बो, एंड ये जो पाउच था इसके अंदर बहुत ही प्यारा स्टफ़ आया है। दिस इज़, एक सेकेंड, मेरा ये कैमरा फोकस क्यों नहीं ले रहा है। सो दिस इज़ बटर स्कॉच लिप स्क्रब, इसमें आया है बटर स्कॉच लिप स्क्रब, और इसमें आया है पोमोग्रेनेट बॉडी योगर्ट। एंड इसका जो ये आप कंसिस्टेंसी है वो देखिए, टू गुड। सो अब मैं ये सारा नीटली अरेंज करके अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देती हूँ विद टैगिंग ऑल द ब्रांड्स एंड ग्लिटराटी पॉपअप, और फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, बाय धीर। सो हम जा रहे हैं, मॉल तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गई, इट्स 7 o'clock, बिकॉज वो जो ग्लिटराटी पॉपअप का इन्वाइट आया था उसकी स्टोरी वगैरह डालनी थी इंस्टाग्राम पे, तो वो सारे काम निपटाए तो इसलिए लेट हो गई। अब 7 बज गए हैं। सो वी आर गोइंग टू वेस्ट साइड, और एक पर्टिकुलर वेस्ट साइड है यहाँ चेन्नई में विच इज़ इन टी नगर, विच इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी गुड। तो हम वहाँ जा रहे हैं टू चेक आउट सम क्लोथ्स फॉर आकृति। कुछ पसंद आ गया तो ठीक है, अदरवाइज देन कल या परसों हम फीनिक्स जाएंगे। सो धीर एज यूजल अपनी नानी के घर गया है, ही डजेंट लाइक टू जॉइन अस फॉर शॉपिंग, सो ही विल बी विद द नानी, और तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं। चलो विपुल। सो पहुंच गए हैं हम वेस्ट साइड, और मिलते हैं शॉपिंग के बाद। फ्रेंड्स, सो आई एम बैक होम, एंड काफ़ी देर पहले आ गए थे, अब बज रहे हैं 10। सो आई जस्ट थॉट आई एंड दिस व्लॉग हियर। डिनर भी नहीं किया मैंने, बिकॉज कॉफ़ी शास्त्रा में जो खाया दैट वॉज लाइक मोर देन इनफ फॉर मी। बच्चों ने खाया अभी घर आके, एंड आई विल जस्ट हैव अ वार्म ग्लास ऑफ मिल्क, दैट्स इट, एंड या दैट्स इट। सो वेस्ट साइड में हमने शॉपिंग कुछ खास की नहीं, वी जस्ट पिक्ड वन ड्रेस फॉर आकृति विच अपेरेंटली इज हर बर्थडे ड्रेस, सो विच इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट हियर। मैं वो दिखाऊंगी ऑन हर बर्थडे कि कौन सी ड्रेस खरीदी है। और विद दैट एक पेयर ऑफ इयररिंग लिया टू गो अलॉन्ग विद द ड्रेस, जो मैं और वो हम दोनों मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट, नथिंग एल्स दैट वी बॉट फ्रॉम वेस्ट साइड। वी वॉन्ट, अब जाएंगे कल या परसों, बिकॉज वी वॉन्ट फुटवेयर्स फॉर बोथ ऑफ अस, तो हम जाएंगे कल या परसों कभी फीनिक्स मॉल, सो तब वी विल डू फुटवेयर शॉपिंग फ्रॉम देयर, बस नथिंग एल्स दैट वी बॉट टूडे। So yeah, that's all friends, I'll end this vlog here. I hope you enjoyed watching it, and if so, please do like, share and subscribe, and do comment because that will motivate me a lot. And yeah, don't forget to follow me on Instagram for all the latest updates and all the recipes that I've been sharing, winter recipes. So yeah, that's it. See you again on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.